ये करीबन 150 सालों से चली हुई आ रही है, हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से चली हुई आ रही है, जो हमारे पूर्वज निभाते थे। आज उसी परंपरा को हम भी निभा रहे हैं। और ये शराधों में मिट्टी की रावण, जो अखाड़े की मिट्टी है उसको इकट्ठा करके रावण बनाते हैं। अमावस्या के दिन पूरा रावण कंप्लीट हो जाता है। पड़वा के दिन पूरी विधि विधान पूर्व अर्चना के साथ माता जी की घट स्थापना होती है। उसके बाद रावण के ऊपर जुवारे उगाए जाते हैं। 9 दिन तक यहाँ माता जी के चौक में गरबे किए जाते हैं और 9वीं के दिन माता जी की पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति के बाद सुबह रावण का वध करते हैं हम। तो रावण के ऊपर से जुवारे जो उगाए जाते हैं उनको तोड़ के माता जी को चढ़ा के और सभी एक दूसरे को देते हैं और भाईचारे का मिलाप करते हैं। उसके बाहर से लाते हैं या नहीं, मिट्टी अखाड़े की मिट्टी है उसी को ही हम यूज करते हैं ताकि प्रदूषण वगैरह भी नहीं हो, और इसको मिट्टी को वापस इसी में ही अखाड़े के अंदर ही फैला देते हैं। इसके बाद पहलवान जो है उसमें कुश्ती, और कुश्ती अभी दंगल चलेगा। रावण वध होने के बाद कुश्ती दंगल चलेगा, हमारे समाज का पहलवान कुश्ती करेंगे। रावण के अलावा भी और भी पुतला बना देंगे। मंदोदरी का पुतला बनाया जाता है।